नमस्ते। आपका नाम क्या है? कविता है। और आपकी उम्र क्या है? 34 है मेरी। और आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरी फैमिली में 4 हैं, 2 मेरे बच्चे, हस्बैंड और मैं। और उनमें से कितने लोग काम करते हैं? मैं और मेरा हस्बैंड काम करते हैं। आपको कितना मुश्किल या आसान लगा ये मैट्स बनाना? मुझे ये मुश्किल नहीं लगा, आसानी है बनाने में। और क्या आपको मालूम है इन मैट्स का आगे प्रयोग क्या होगा? हाँ, इसको लोग खरीदते हैं, ये बैठने के काम आते हैं, चटाई के तो। हाँ, ये बेगर लोग के लिए। मैट्स बनाना सिखाया गया था? जी, ये मैट बनाना सिखाया था, सरोज मैम ने सिखाया ये मैट बनाना। थैंक यू। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? सर, हम 5 सदस्य हैं। अच्छा, और उनमें से कितने लोग काम करते हैं? सर, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं यहाँ पर आशा सेंटर से जुड़ी हूँ और मेरे हस्बैंड यूरो स्कूल के कंडक्टर हैं। आपके हस्बैंड काम करते हैं? यूरो स्कूल के कंडक्टर का काम करते हैं। थैंक यू। और आपको कितना मुश्किल या आसान लगा ये मैट्स बनाने? जब हमें नहीं आता था तब तो बहुत मुश्किल लगता था, कैसे करेंगे। जब मैडम ने हमें ये काम सिखाया तो हमें बहुत आसान लगने लग गया। अभी तो अब बहुत आसान है। हाँ। अच्छा, क्या आपको मालूम है मैट्स का आगे क्या प्रयोग होगा? हाँ सर, ये बहुत काम आते हैं, जैसे पायदान भी बन सकते हैं, जैसे कि बिस्तर न होने पर बिछा भी सकते हैं गरीब लोग। आपको ये मैट्स बनाना सिखाया गया था? हाँ जी सर, यहीं सीखे थे हमने ये मैट, और ये सरोज मैडम ने सिखाया थे, सिलाई भी यहीं सीखी। थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग मी विथ माय प्रोजेक्ट। वेलकम, वेलकम सो मच। उल्टा न्यू एक प्रोजेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया आपने, बच्चों को काम भी मिला, और इस प्रोजेक्ट को उल्टा हम आगे ले जाएंगे ताकि हर लेडीज़ को काम मिले। ट्रेनिंग में कोई कठिनाई आई या सब लोग ने मतलब आसानी से? थोड़ा सा तो मुश्किल लगता है कोई नया काम सीखने में, मगर हमारे टाइम उल्टा यही काम चलता था, पुराना काम उल्टा आगे आया। और शुरू में तो सबको ही थोड़ी सी आती है, बट फिर इंटरेस्ट, ये काम ऐसा है अगर इंटरेस्ट लिया जाए तो इजी हो जाता है। आपकी कोई सजेशन है इस प्रोजेक्ट को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हाँ, मेरा तो बहुत अच्छा ये सजेशन है कि एक ग्रुप बनाया जाए विलेज में, 2-3 विलेज जाके एक हम ग्रुप बनाएं ताकि हम इस काम को और आगे और बहुत सारी लेडीज़ को काम दे सकें गांव-गांव। और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी मुश्किल क्या लगी? बस एक इकट्ठा करना है पॉलोथीन को, ये मैसेज देना है कि जो आपने पॉलोथीन है वो फेंकनी नहीं है, असेंबल करना है घर में, हम जाके ले आए। बस असेंबल करने में आएगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों को आदत बनी हुई है कि यूज़ किया और थ्रो। अगर हमारा घर घर ये मैसेज चला जाए कि आपको फेंकना नहीं है पॉलोथीन, यूज़ करने के बाद आपने रेबिश को इकट्ठा करना है, तो बहुत ईजी हो जाएगा। किसी भी काम करने के से पहले थोड़ा सा मुश्किल आता है, फिर वो आसान लगने लगता है।